जब मैंने प्रस्ताव रखा कि महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बनना चाहिए, विजयोत्सव का स्मारक बनना चाहिए बहराइच में, अनिल राजभर ने पुरजोर समर्थन किया, लेकिन दूसरे ने विरोध किया। कहते हैं ना, 100 सोनार की तो एक लोहार की। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का नाम लिए बिना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तंज कसा है। ओम प्रकाश राजभर ने जब से अपना गठबंधन समाजवादी पार्टी से करने का ऐलान किया है, तब से मौका दर मौका राजभर बीजेपी पर हमलावर होते दिखे हैं। दरअसल रविवार 31 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी भाजपा के पिछड़ा मोर्चा के ओबीसी सम्मेलन में गए थे, जहां उन्होंने महाराज सुहेलदेव के स्मारक बनाने को लेकर ओम प्रकाश राजभर पर जमकर हमला बोला। समाजवादी पार्टी 4 बार थी प्रदेश में और केंद्र की सरकार में भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, और 3 बार थी, 3 का 4 बार थी। क्या कभी इन लोगों ने 4 बार प्रदेश में और 4 बार केंद्र में शासन में सहभागी बनने का अवसर मिला, लेकिन महाराज सुहेलदेव के नाम पर इतिहास में जुड़वाने, किसी संस्था का नामकरण करने, उनका स्मारक बनाने, या फिर बहन जी ने ही किया? नहीं किया। मेरे तो कैबिनेट में 2 राजभर मंत्री थे, जब मैंने प्रस्ताव रखा कि महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बनना चाहिए, विजयोत्सव का स्मारक बनना चाहिए बहराइच में, अनिल राजभर ने पुरजोर समर्थन किया, लेकिन दूसरे ने विरोध किया था। अकेले अनिल राजभर जूझ रहे थे, इन्होंने कहा था बनना चाहिए, लेकिन जिन्हें वोट बैंक का मोह था वो कहते थे नहीं 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 नहीं, इससे ठीक नहीं होगा। और यही भय आजादी के बाद लोगों को हमेशा हमेशा डराता था, अरे ये कर देंगे तो ये हो जाएगा, वोट बैंक खिसक न जाए, अपने इतिहास पर गौरव न करें वोट बैंक के नाते। आज भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बहराइच में बन रहा है, भव्य स्मारक बन रहा है। बता दें कि ओम प्रकाश राजभर भाजपा की योगी सरकार में मंत्री थे, लेकिन आपसी मतभेद होने के कारण उन्हें सरकार से बर्खास्त कर दिया गया, जिसके बाद एक बार फिर चुनाव के नजदीक आते ही भाजपा राजभर के साथ गठबंधन करना चाहती थी, क्योंकि प्रदेश के 403 सीटों में से 100 से अधिक सीटों पर राजभर समाज का ठीक ठाक वोट है, जो 2017 में एनडीए गठबंधन को सत्ता में लाने में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन जब ये पूरी तरह से साफ हो गया है कि ओम प्रकाश राजभर अब अखिलेश के साथ जा रहे हैं, तो भाजपा की ओर से भी राजभर पर निशाना साधने का सिलसिला शुरू हो गया है। बहरहाल 2022 विधानसभा चुनाव में राजभर समाज किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है, ये तो जनता को तय करना है। अब जब ये साफ हो गया है कि ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के साथ जा रहे हैं, तो अब ओम प्रकाश राजभर और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला धीरे धीरे तेज होते जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।